हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन स्टैक। गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नॉइस फिट क्रियो स्मार्ट वॉच के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पहले इसकी प्राइस थी, कंपनी ने टीज किया था 1799 रुपए, लेकिन अभी कम करके 1499 रुपए कर दिए। तो क्या इस प्राइस पे इस स्मार्ट वॉच को लेना वर्थ होगा या नहीं, क्या क्या फीचर आपको इसमें मिल जाएंगे अगर आप 1499 रुपए में इसको परचेस कर रहे हो, क्योंकि ये भी आपको सेम इसी शेप में देखने को मिल जाएगी और फीचर अराउंड भी ऐसे ही आपको देखने को मिल जाएगी। तो क्या लेना सही होगा या नहीं, किस रीजन से इसको लेना चाहिए, या इस प्राइस पे दूसरी स्मार्ट वॉच आपको कौन सी लेनी चाहिए, सारी चीजों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले। तो वीडियो अच्छी लगेगी और समझ में आएगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट कंपैरिजन और अनबॉक्सिंग की वीडियो लेके आते रहता हूं और आपके बजट के हिसाब से बताते रहता हूं कि आपका जितना पैसा लग रहा है उस हिसाब से प्रोडक्ट लेना वर्थ है या नहीं, फीचर अच्छा खासा मिल रहा है या नहीं। तो इन सब चीजों की वीडियो भी आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें नॉइस फिट क्रियो स्मार्ट वॉच की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो सेम आपको यही देखने को मिल जाएगा, सर्कुलर डायल शेप आपको मिलने वाला है। बॉडी मटेरियल को देख लीजिए, जो कि बहुत बड़ा फैक्ट निकल कर आ जाता है। यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट की बॉडी मिलने वाली, हालांकि लिखा हुआ है मेटेलिक फिनिश। तो मेटेलिक फिनिश का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको मेटल जैसा देखने में मिलने वाला है, लेकिन मेटल बॉडी नहीं मिलेगी। तो ये आपका बहुत बड़ा डाउट रहता है कि मेटेलिक फिनिश जो है बॉडी मिल रही है, तो ये क्या मेटल की होने वाली, तो मेटल की नहीं रहेगी। यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट मिलेगा, लेकिन मेटल जैसा देखने में मिलने वाला है। सिलिकन का स्टेप आपको इसमें मिल जाएगा और इसमें आपको दो बटन मिल जाएंगे, जैसे कि इसमें दिया हुआ है ऐसे ही आपको दो बटन मिलेंगे। बस डिफरेंस क्या है कि इसमें आपको दोनों सर्कुलर बटन दिए गए, उसमें एक सर्कुलर है और एक है फ्लैट, थोड़ा सा यही डिजाइन निकल कर आ जाता है, बाकी एकदम यही डिजाइन आपको देखने मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पहनने के बाद कैसी स्मार्ट वॉच लगने वाली है आप लोग के हाथों। अब फ्रेंड्स, बात करें इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसमें आपको 1.38 इंच की डिस्प्ले जो है मिलने वाली, जबकि इसमें देखा जाए तो इसमें आपको 1.28 इंच की लूसी डिस्प्ले मिल रही, तो थोड़ी सी इससे बड़ी डिस्प्ले मिल जाएगी। तो यहाँ पे बेजल्स देख सकते हो बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो उस स्मार्ट वॉच थोड़ा सा कम बेजल्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन बेजल्स आपको मिल जाएंगे। और उसी के साथ 240x240 का पिक्सल रेजोल्यूशन का सपोर्ट मिलेगा, 550 का निटपिक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलेगा, और यहाँ पे वॉच फेसेस तो आपको मिलने ही वाले हैं। तो डिस्प्ले क्वालिटी देखा जाए तो क्वालिटी आपको कोई अच्छी खासी देखने को नहीं मिलने वाली, नॉर्मल सी जो सभी स्मार्ट वॉच में मिलती है वही देखने मिलेगी। बस क्या है कि आपको बड़ी डिस्प्ले मिलेगी, ये इसका प्लस पॉइंट निकल कर आ जाता है, जो कि 1499 रुपए में बड़ी डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है नॉइस। फ्रेंड्स, बात करें इसके अदर फीचर के बारे में, यानी कि ब्लूटूथ कॉलिंग के बारे में, तो इस स्मार्ट वॉच में भी आपको ब्लूटूथ कॉलिंग जैसा फीचर मिल रहा है, यानी जैसे इससे आप कॉल वगैरह पे बात कर सकते हो, इस स्मार्ट वॉच में भी आपको ब्लूटूथ कॉलिंग जैसा फीचर मिला है। तो ऐसे ही नॉइस फिट क्रियो स्मार्ट वॉच में भी आपको ब्लूटूथ कॉलिंग जैसा फीचर मिल रहा है, तो कॉल वगैरह पे भी बात कर सकोगे, डायल पैड कॉन्टेक्ट से कॉल हिस्ट्री का सपोर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे 5 से 7 कॉन्टेक्ट भी सेव करके रख सकते हो अपनी स्मार्ट वॉच में, और फोन वगैरह से भी बात कर सकते हो, क्योंकि स्पीकर यहाँ पे ग्रिल जो है उसमें भी देखने मिलेगा और इस स्मार्ट वॉच में भी मिल रहा है। तो यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर जो इसमें मिल रहा है, तो 1499 रुपए में ये भी कहीं कहीं बहुत ही ज्यादा वर्थ निकल कर आ जाए। साथ ही साथ थोड़े से प्लस पॉइंट के बारे में बात करें, तो इसमें आपको ट्रू सिंक टेक्नोलॉजी जो है यूज की गई, जो कि थोड़ा सा लेटेस्ट इस स्मार्ट वॉच को बना देता है, जिसकी वजह से फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट मिलेगा, यानी कि क्विक पेयर हो जाएगा, और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको जो है लो पावर कंजप्शन का सपोर्ट मिलेगा। तो बैटरी भी थोड़ी सी अच्छी खासी देखने को मिलेगी, ज्यादा अच्छी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन एवरेज से थोड़ा सा अच्छा आपको देखने को मिलेगा। बात करें हेल्थ ट्रैकर्स के बारे में, तो नॉर्मल सा जो सभी स्मार्ट वॉच में मिलता है, कोई भी स्मार्ट वॉच लोगे 1000 से लेकर 5000 के बीच में, वो वाले सारे हेल्थ ट्रैकर्स आपको इस स्मार्ट वॉच में देखने को मिल जाएंगे। SpO2, रियल टाइम हार्ट मॉनिटरिंग, स्लीप, ब्रीथ स्टे, ये सारे फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और स्पोर्ट्स मोड को देख लीजिए, तो 100+ स्पोर्ट्स मोड मिलने वाले। तो स्पोर्ट्स मोड में अब स्मार्ट वॉच जो है कोई भी कमी नहीं निकालती है, मतलब कि बहुत ही भर के स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, जिसका यहाँ पे कोई भी यूज निकल कर नहीं आता। बात करें वाटर रेजिस्टेंस को लेकर, तो IP67, यानी कि आप पानी वगैरह में तो इसको यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसे पहने हो, पसीना लग जाता है, या हाथ वगैरह धुल ले हो, थोड़ा सा पानी वगैरह गिर जाता है, तो चल जाएगा। लेकिन फुली वाटर में आप चाहते हो कि स्विमिंग वगैरह कर रहे हो, तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी यूज मत करिएगा, यहाँ पे डेड हो जाएगी आपकी। बाकी कॉमन स्पेसिफिकेशन को देखा जाए, तो वॉइस असिस्टेंट का फीचर आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगा, कोई यहाँ पे वो नया देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ गेम का फीचर मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको कैलकुलेटर जैसा फीचर मिल रहा है। तो यही थोड़ा सा इसका प्लस पॉइंट निकल कर आ जाता है कि 1499 रुपए में आपको कैलकुलेटर जैसा फीचर भी मिल रहा है। बैटरी लाइफ को देख लीजिए, तो कंपनी बोलती है 7 से 10 दिन का, लेकिन एवरेज में देखा जाए तो 3 से 4 दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा। ब्लूटूथ कॉलिंग को अगर ज्यादा यूज करते हो तो 1 दिन का यहाँ पे बैकअप निकल कर आ जाता है, जो कि आपको सभी स्मार्ट वॉच में देखने को मिल जाए। बात करें कि इसको लेना वर्थ होगा या नहीं, तो इसकी प्राइस पहले कंपनी ने 1799 रुपए टीज किया था, लेकिन पता नहीं 2-3 दिन बाद कम करके अभी 1499
1499 रुपए कर दिया। तो अब देखा जाए कि ये लेना वर्थ है या नहीं, तो मैं तो सिंपल ये बोलूंगा कि 1499 रुपए में ये स्मार्टवॉच लेना काफी ज्यादा वर्थ निकल कर आ जाता है, क्योंकि 1700 रुपए में देखा जाए तो 1700 रुपए में उस टाइम में वर्थ नहीं रहता, लेकिन अभी प्राइस कंपनी ने कम कर दिया तो 1400 रुपए में ये काफी स्मार्टवॉच बेस्ट निकल कर आ जाती है, क्योंकि इसका जो मेन फीचर है वो है डिस्प्ले इसकी बड़ी मिल रही है, ट्रूसिंग टेक्नोलॉजी जो है यूज हो रही है, तो ये दो एक्स्ट्रा फीचर इसके बढ़ जाते हैं जो कि थोड़ा सा इसको एडवांस बना देता है, बाकी तो सारे स्पेसिफिकेशन आपको नॉर्मल से देखने को मिल जाएंगे। तो 1499 रुपए में ये स्मार्टवॉच काफी ज्यादा वर्थ है, अगर आप लेना चाहते हो तो आप इसको कल बाय कर सकते हो, कल जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, तो आई होप आपको तो समझ में आएगी, अगर लेना चाहते हो तो इसको ले सकते हो। तो बस यही थी पूरी वीडियो इसी नॉइस फिट क्रू स्मार्टवॉच में, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आएगी, अगर समझ में आई तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी अपडेट कंपैरिजन और अनबॉक्सिंग की वीडियो लेके आते रहता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी अनबॉक्सिंग, तब तक के लिए जय हिंद।